जम्मू कश्मीर की खराब हालत को देखते हुए वहां से पलायन कर सोलन में रह रहे कश्मीरी पंडितों समेत भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की प्रभारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे काफी समय पहले कश्मीर को छोड़ चुके थे और घर जाने की कोई आस नहीं थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसके चलते उन्हें आस बंधी है कि जल्द ही वे अपने घर को जा पाएंगे। जम्मू कश्मीर की खराब हालत को देखते हुए वहां से पलायन कर सोलन में रह रहे कश्मीरी पंडितों समेत भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की प्रभारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे काफी समय पहले कश्मीर छोड़ चुके थे और घर जाने की कोई आस नहीं थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके चलते उन्हें आस बंधी है कि जल्द ही वे अपने घर जा पाएंगे और अपने बच्चों को अपनी दीदी और नानी का घर दिखा सकेंगे। उन्होंने इस मौके पर कश्मीर की परंपरा को निभाते हुए सभी को वहां का सबसे महंगा तोहफा नमक देकर खुशी मनाई, लड्डू बांटे और भाजपा के शीर्ष को धन्यवाद किया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने दिल का दर्द बताते हुए कहा कि जब भी वे किसी कानून को भारत में पढ़ते थे तो सबसे पहले उनकी नजर उस लाइन पर पड़ती थी जिस पर लिखा होता था कि ये कानून J&K में लागू नहीं होता, लेकिन अब धारा 370 खत्म होने से J&K से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही कानून होगा, जो बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू का युवा गलत रास्ते पर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब विकास के नए आयाम यहां खुलेंगे और फिर से वहां खुशहाली होगी। उन्होंने कहा कि वे धारा 370 के हटने से अब अमन शांति के बाद अपने बच्चों को नानी और दादी का घर दिखा पाएंगे, जो उनके लिए सपने जैसा है, जिसके लिए वे देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, बड़े समय से इस घड़ी का इंतजार था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन अब जब ये घड़ी आई है तो हम सब इसमें बहुत खुश हैं। हर एक उस व्यक्ति को जिसको नाज है अपने तिरंगे पे, अपने राष्ट्रगान पे, उसे इस फैसले से बहुत खुशी मिली होगी और एकता के लिए, पूरे देश के लिए, केवल कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का मौका है कि हम सब, जिसे हम सही मायने में कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब हम एक ही धारा में बहेंगे। जो दिल्ली में कोई भी एक्ट पास होगा, कानून पास होगा, वो सीधे तर जैसे बाकी राज्यों में लगता है, वो श्रीनगर में भी लागू होगा, जम्मू कश्मीर में लागू होगा। पर्टिकुलरली कश्मीरी शरणार्थी के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अब जहाँ पे भी आप क्लिप्स देखेंगे, कल से ही हमारे यहाँ मिठाइयाँ बांटनी शुरू हो गई। कल से ही चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, सारे से हमारे न्यूज आ रहे हैं। हमारे बस से सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा है। जितना भी युवा है वो काफ़ी ड्रग्स के उसमें आ गया, नशे में हो गया हुआ है। उसके लिए जो मैं सोचता हूँ कि जो अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये ऑपरेशन किया J&K का, और उसके बाद जो उसके अंदर उनने सर्जरी कर के बाद जो जैसे वो सिर वगैरह बांधते हैं, वो पट्टी वगैरह, वो जो यूनियन टेरेटरी बनाई है, उससे क्या होगा जो वहाँ का जो बॉसेस थे जिन्होंने सारा उधर कब्जा कर रखा था हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी पे, हिंदुस्तान के पैसे पे, और उधर के जो यूथ जो उनको गलत उसमें रास्ते में डाल रहे थे, वो चीज़ अब खत्म हो जाएगी। जब वो दिल्ली से सारा कंट्रोल होगा, दिल्ली से ही सारा कुछ चलेगा, तो ये सारी वहाँ की चीज़ें सब ठीक आ जाएंगी। और मुझे खास तो उम्मीद है कि युवा जो है मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो शादी के बाद भी मैं एक दो बार गाँव पर बहुत काम, और मैंने वहाँ पे जो इनका मायका है जहाँ इनका घर है उस एरिया को डल लेक के बोर्ड के थ्रू देखा है, वो रूइंस में है बिल्कुल, लोगों ने जला दिया हुआ है। इतना सुंदर एरिया, इतने सुंदर सुंदर घर है वहाँ पे, हमने दूर से देखे, हम अंदर जा नहीं पाए वहाँ पे, और इट वॉज रिस्की ऑल्सो। तो बाहर से हम देखते थे तो हमें बड़ा लगता था कि भाई कभी ये मेरे लॉस का घर होता था, ये वहाँ पे रहते थे, इतनी कहानियाँ सुनते थे कि ऐसे ऐसे बगीचे, फूल, पौधे सब कुछ होते थे। तो अब वो जाके देखेंगे, रह भी सकेंगे, तो इसका अपना ही मजा है। मेरे को मजबूरी के कारण वहाँ से निकलना पड़ा, अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, और आई हैड टू लुक आउट फॉर सम अदर जॉब,
आई वॉज लकी एनफ कि भाई हिमाचल में यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया 90 में आया और 90 दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया। हमारे को बड़ी तकलीफ हो गई थी कि अपना घर छोड़ के, आज ऐसा लग रहा है कि 30 साल बाद जो हमारे जख्म रिश्ते थे या किसी ने हमारे जख्म पे मर, आज रियली वेरी। श्रीनगर में जन्म हुआ और उसके बाद लालन पालन सोलन में हुआ। शादी बाहर हुई तो मेरी नागरिकता और मेरा घर सब कुछ कश्मीर से छूट गया। आज मैं अमित शाह जी को और नरेंद्र भाई मोदी जी को एक कश्मीरी बेटी होने के नाते तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम बहनों का, हम लोगों को जो मान सम्मान दिया है कश्मीर को वापस देकर, वो एक अभूतपूर्व है। और ये जो सुख है ये क्षणिक नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसका दंश झेला है। झेलम की कलकल, केसर की महक, शंकराचार्य की घंटी और खीर भवानी का जो भजन का आनंद था वो हमें दोबारा से सुनने को मिलेगा। मैं आपका तहे दिल से, आपके माध्यम से पूरे भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ और जम्मू कश्मीर की प्रभारी भी हूँ, पर मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बहनों से, बहनों की तरफ से और हिमाचल की बहनों की तरफ से भी नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जो कि पटेल की तरह सख्त हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप ऐसे ही निर्णय देश के लिए करते रहिए ताकि देश एकजुट हो सके। बच्चों ने सिर्फ एक बार एज ए विजिट किया है कश्मीर, लेकिन उन्हें भी एहसास हो कि उनका जो माँ का घर है वो कैसा था। उन्होंने अपने पिता का घर तो बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन माँ का घर, माँ के घर की चीज़ों की महक, उसकी खुशबू, उसकी मिट्टी को समझने की ताकत उनको आज मिली है और मुझे लगता है कि ये सपना हमारा अवश्य साकार होगा। भक्तों चल एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।